Student, now I am going to take your class in this video. Chapter number 2 of class 9 SST part history. Okay, तो chapter number 2 बेटा हम पढ़ रहे हैं. Chapter number 2 में ये last part है. Last part में हम रशियन समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, revolution के बारे में पढ़ रहे हैं. Okay, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, तो ये लास्ट पार्ट है. आइए हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से कैसे. तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ बेटा. तो इस पार्ट में हेडिंग है कि मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि हम समाजवाद समाज का निर्माण इसमें बताया गया है. ठीक है, समाजवाद समाज समाजवाद समाज का निर्माण. ड्यूरिंग द सिविल वार, गृह युद्ध के समय, द बोल्शेविक क्या थे, इंडस्ट्री और बैंकों को स्लाइड कर दिए थे, राष्ट्रीयकृत कर दिए थे. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड एंड द हैड बीन सोशलाइज्ड. इन्होंने पीजेंट यानी किसानों को भी कल्टिवेट करने के लिए उनकी ज़मीनों को परमिट दे दिया था, यानी वो कर सकते थे, सोशल में भी आ सकते थे. बोल्शेविक क्या यूज करते थे, कन्फिस्केटेड लैंड द डोमेस्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. तो इसमें ये घरेलू कार्य भी इसमें कर सकते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक कार्य से. ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस. नई प्रोसेस आई, नई प्लानिंग आई, किसका, राष्ट्रीयकृत का इंट्रोड्यूस आया, यानी केंद्रीकृत प्रणाली. ऑफिशियल एक्सिस्ट हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ फाइव ईयर प्लान. फाइव ईयर प्लान्स का एक नया प्लान लाया गया, पाँच साल का प्लानिंग एक ऑफिशियल रूप से लाया गया सरकार के द्वारा इकोनॉमिक में क्षेत्र में. ऑन दिस बेसिस दे मेड द फाइव ईयर प्लान्स. ये फाइव ईयर प्लान पे था, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना थी. ठीक है, तो द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल पीरियड्स टू प्रमोट इंडस्ट्री ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान्स. गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑल प्राइसेस टू प्रमोट, सारे प्राइसेस को प्रमोट किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, क्या, फर्स्ट टू प्लान के लिए. ओके, तो ये देखते हैं. देखिए पहले ये कर देते हैं बेटा. तो उसके बाद क्या हुआ, ये क्या था, 1927 से 1932 तक एंड 1933 से 1938 तक, क्या सेंट्रलाइज प्लानिंग था ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज हुआ, कब इंक्रीज हुआ, 1929 में एंड 1933 में. कब, कितना, 100%. किस क्षेत्र में, ऑयल में, कोल में एंड स्टील में. नई फैक्ट्रियां शहर में आई, बहुत सारे फैक्ट्रियां शहर में आए. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन थी इस समय, फिर भी उसमें रैपिड कंस्ट्रक्शन यानी बहुत तेज़ी से निर्माण शुरू हो गया. इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 ईयर्स. 3 सालों में ही जो मैग्नेटोगोर्स्क शहर था वो अपना प्लान अचीवमेंट कर लिया. ठीक है, वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वॉज वर्कर्स कठिन जीवन जीते थे एंड द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर एलोन. क्या हुआ, फर्स्ट पहले साल में ही अकेले पड़ गए 550 से ज़्यादा. इन लिविंग क्वार्टर्स में देखिए, इन द विंटर टाइम में क्या हुआ, यानी सर्दी के समय में एट 40 डिग्री से नीचे, यानी 40 डिग्री से नीचे, क्या, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. यानी ये 40 डिग्री के नीचे भी ये क्या करते थे, फोर्थ फ्लोर काफ़ी चढ़ाई इन पे होती थी, नीचे टॉयलेट आने जाने के लिए यूज करते थे, मतलब कठिन जीवन था उस समय वर्करों का. एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप इस समय, लेकिन क्या हुआ कि इस समय स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ बहुत अच्छे से. एंड अरेंजमेंट क्या हुआ, वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू इंटर यूनिवर्सिटी. देखिए किसानों के लिए, वर्करों के लिए क्या हुआ, यूनिवर्सिटी खोल दी गई, यूनिवर्सिटी बनाए गए. ठीक है, क्रेट्स वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ वोमेन वर्कर्स. देखिए चिल्ड्रेन ऑफ वोमेन वर्कर्स के लिए भी फैक्ट्री खोली गई, हेल्थ के लिए भी व्यवस्था किया गया इनके लिए. मॉडर्न लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर
मॉडल लिविंग वर्कर्स भी इसमें आए, इस वर्कर्स के लिए मॉडल लिविंग में भी यूज हुआ। फिर देखिए द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, तो सिंस क्या है पावरमेंट रिसोर्सेस वर लिमिटेड, क्या हुआ सिंस पावरमेंट रिसोर्सेस वर लिमिटेड, इनकी रिसोर्सेस क्या थी लिमिटेड थी, ठीक है लिमिटेड थी। तो हम बेटा थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये यूक्रेन में देखिए ये था सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन ए विलेज इन यूक्रेन, यूक्रेन के गाँव में भी क्या हुए सोशलिस्टों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है इसमें बताया गया है ना। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें दिखाया गया है कैसे कि इसमें देखिए चिल्ड्रन के लिए स्कूल रसिया में कैसे खुले, बच्चों के लिए चाइल्ड इनामिंग में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान है, फाइव ईयर प्लान के वर्कर्स का काम देखिए, फिर यानी अच्छी व्यवस्था होने लगी वर्कर्स के लिए भी, इसमें ध्यान दिया जाने लगा ना। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930, देखिए ये फैक्ट्री की डाइनिंग है कैसे काम होता था 1930 के समय में। ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्ड हुड, यानी बचपन में चाइल्ड हुड यानी बचपन इन 1933 में देखिए डियर ग्रैंडफादर, इसमें एक पोइम कविता दी गई है उनके स्वप्न के बारे में, अपने बच्चों की बचपन के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो हाँ बेटा इसमें आइए, अब आ गया है नया 4.3 पॉइंट में स्टालिनिज एंड कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिविजेशन, ठीक है तो इसमें कलेक्टिवाइजेशन भी कह सकते हैं या कलेक्टिव सेशन भी होता है, तो इसको दो तीन तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टालिनवाद और सामूहिकतावाद को अब हम पढ़ेंगे कैसे। स्टालिनवाद, स्टालिन आप जानते ही हैं, द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमिक वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए द पीरियड जो अर्ली प्लानिंग पीरियड था इकोनॉमिक का वो किससे लिंक था, अर्ली डिजास्टर ऑफ द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर कृषि की जो सामूहिकतावाद थी वो डिजास्टर ऑफ द उसके खतरे से समूह से भी जो आपदाएं थी सामूहिकता कृषि की वो भी उससे लिंक थी फाइव ईयर्स के प्लान में, यानी उसको भी जगह दिया गया था आपदा को भी। बाई 1927 द टाउन से सोवियत रसिया ने क्या फेसिंग किया था, एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज, जिन्होंने अनाज के सप्लाईज की प्रॉब्लम आई थी सोवियत रसिया में भी 1927-1928 में, क्योंकि ये आपदा आई थी ना डिजास्टर ऑफ एग्रीकल्चर में। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर दिया किस में ग्रेन में जो बेचे जाने वाले थे, लेकिन बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू मूवमेंट गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस, लेकिन किसानों ने क्या किया रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन, अपने अनाजों को क्या किया गवर्नमेंट को बायर्स एट दिस प्राइसेस, गवर्नमेंट जो खरीदार थे अपने प्राइसेस पे बेचा, ठीक है। स्टालिन देखे, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेट ऑफ लेनिन, देखे लेनिन इंट्रोड्यूस फॉर इमरजेंसी मेजर्स, यानी कि बोल्शेविक की मृत्यु के बाद ये स्टालिन आए, स्टालिन पार्टी के लीडर आए, इंट्रोड्यूस फॉर इमरजेंसी मेजर्स, इसको इमरजेंसी में लाया गया था। ही बिलीव दैट इनका इनकी क्या सोच थी स्टालिन की, रिच पीजेंट धनी किसान जो थे एंड ट्रेडर्स और व्यापारी जो थे क्या करेंगे कंट्री साइड यानी गाँव में वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस, यानी हाई प्राइसेस पे क्या किए हैं स्टॉक रखे हैं किसका अनाजों का, ठीक है हाई प्राइस पे बेच रहे हैं उसके लिए रखे हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड, यानी कि इस सप्लाई को अच्छे से चालू करना है उनके उस स्टॉक होल्डर को स्टॉप करना है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट भी क्या है, देखिए इन 1928 में क्या हुआ पार्टी मेंबर्स जो थे वो टॉर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया जो अनाज प्रोड्यूसिंग एरिया था उसमें क्या किए घूमे, सुपरवाइजिंग सर्वेक्षण किए, इनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्ट और ग्रेन का कलेक्शन किए एंड रेडिंग कुलकाश, और क्या किए रेडिंग और रेड किए क्या कुलकाश पे। अब कुलकाश क्या है द नेम फॉर वेल टू डू पिजन्स, द नेम एस ए वो नाम जो क्या हुआ वेल टू डू पिजन्स यानी किसानों के लिए अच्छा किया गया हो उसको क्या किया गया कुलकाश। जैसे कहने का बेटा यह है कि किसानों से अनाज ले लेके
बड़े बड़े व्यापारी वर्ग या धनी वर्ग क्या करता था, उस अनाज को संरक्षित कर लेता था और हाई प्राइस पे बेचता था। तो उन्होंने यही किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसानों के लिए अच्छा काम किया, तो उसी को कुलाक्स कहते हैं या कुलाकास, कुलाक्स दो तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, और जो शॉर्टेज थी उसकी कंटिन्यू धीरे धीरे क्या हुआ, द डिसीजन वन टेकन टू कलेक्टिव फार्म, अब डिसीजन क्या हुआ, समयुक्तवादी फार्म में आ गया। इट वाज आर्ग्यू दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, स्मॉल साइज में आ गई कैसे, आफ्टर 1917 में क्या देखे, लैंड हैंड बिन गिवेन ओवर टू पीजेंट्स, किसानों को लैंड दिया गया था इस समय में, ठीक है। दिज स्मॉल साइज पीजेंट, ये छोटे छोटे जो किसान थे यानी छोटे छोटे खेती वाली जो किसान थे, कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, ये मॉडर्नाइज नहीं हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे, टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, जो डेवलप मॉडर्न फार्म था एंड रन देयर अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी, क्योंकि इनके पास मशीनरी थी बड़े बड़े किसानों के पास, इट वॉज नेसेसरी, और ये नेसेसरी था किसके लिए, एलिमिनेट कुलक्स के लिए, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। तो इसके बाद क्या हुआ, जो बड़े बड़े किसानों को, बड़े बड़े जमीन के को किसने कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, क्योंकि छोटे छोटे लोग नहीं कर सकते थे, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन, अब देखिए स्टालिन ने क्या किया, व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन प्रोग्राम प्रमोट, फिर देखिए कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव फार्म यानी कलॉक्स मिस क्या होता है, कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वाज ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, देखिए कलेक्टिव फार्म में ऑनरशिप दी गई लोगों को, पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड, पीजेंट्स इस लैंड पर वर्क करने लगे, एंड द कुलकास जो था प्रॉफिट वाज शेयर, और कुलकास को कि शेयर को प्रॉफिट होने लगा, और प्रॉफिट को शेयर आपस में होने लगा, इन रेज पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लिमिट स्टॉक, और उनकी जो स्टॉक थी भंडारण क्या हुआ, कम खत्म हो गया। बिटवीन 1929 से लेके 1931 के बीच में द नंबर ऑफ कैटल, जो कैटल था यानी पशुपालन वाला, फेल बाई वन थर्ड, कितना था, वन थर्ड पशुपालन कितना था, वन थर्ड था। दोज हु रेसिस्ट कलेक्टिवाइजेशंस वर सेवरली पनिश्ड, और पनिश्ड किया गया, जिन्होंने क्या किया, सामूहिक यानी कि संग्रह किया था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह किया था, उनको पनिश किया जाने लगा। मेनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड, उनको बाहर किया जाने लगा। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो किसानों के खिलाफ नहीं है आर्ग्यू, ठीक है, और वो धनी किस धनी वर्ग के साथ नहीं है, यानी किसानों ने भी कहा, ये आर्ग्यू था किसानों का कि वो धनी नहीं है और वो समाजवाद के कभी अगेंस्ट नहीं है। दे मेरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स ऑफ वैरायटी रीजन्स, दे वे वर्क नहीं करना चाहते थे कलेक्टिव फार्म में, क्योंकि इसका एक वैरायटी रीजन था क्या। स्टालिन गवर्नमेंट ने अलाउ किया क्या कि सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन भी कर सकते, मतलब अलग अलग तरीके से भी खेती कर सकते हैं। पहले क्या था, समुक्तावाद आ गया था ना, बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथिकली, यानी अनसिम्पैथी टिकलिक था, बट लेकिन कुछ कलेक्टर्स के साथ ट्रीटेड किया गया असहानुभूति का, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ, जो समयुक्तवाद में था प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया इमीडिएटली जल्दी, इसका क्या कारण था कि बैड हार्वेस्ट था यानी कटाई वटाई का 1930 से लेकर 1933 तक लेड टू वन ऑफ मोस्ट डिवेस्टिंग फेमिन्स या फेमिनाइज इन सोवियत हिस्ट्री वेन ओवर 4 मिलियन डाइट, क्योंकि इसमें 4 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी कहने का मतलब कि इसमें अकाल आ गया और 4 मिलियन से लोग मारे गए, इसीलिए ये इंक्रीज नहीं हो पाया था इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपने देखा बेटा, ये वर्ड मीनिंग है, देखिए इसमें आपको बताया गया है कि ऑफिशियल व्यू ऑफ पोजिशन टू कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पांस, इसमें गवर्नमेंट रिस्पांस दिया गया है और अपोजिशन का, तो इसमें बुक का है बेटा, इधर आइए, मेन पॉइंट, मेनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज, बहुत सारी पार्टियों ने क्रिटिसाइज किया और इस इंडस्ट्री के कंफ्यूजन को देखा,
प्रोटेक्शन अंडर द प्लान इकोनॉमिक एंड द कंसिक्वेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, और इस प्लान को उन्होंने अच्छे से दिखा। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, जो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे स्टालिन ने, और उसके जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट में चार्ज किया। ठीक है, एक्विजिशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाई 1939 ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजंस ऑफ और लेबर कैंप्स, और इसका परिणाम ये रहा कि 2 मिलियंस लेबर्स क्या हुए, या तो जेल में डाल दिए गए या लेबर कैंप में डाल दिए गए। ठीक है, मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम, इनको बोलने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे ईमानदार भी थे लेकिन उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं था, वैसे भी लोगों को जेल में डाला गया। लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया। ठीक है, सजाएं यातनाएं दी गई। सेवरल अमाउंट देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, और इनमें बहुत सारे टैलेंटेड और प्रोफेशनल भी थे। ठीक है, तो जिन्होंने इनके अगेंस्ट में बोला उनके साथ ये हुआ। देखिए अब क्या हुआ, सोर्सी का ये भाई, इसमें देखिए द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन का और इससे सार का क्या रहा वैश्विक प्रभाव, इसमें ये रहा कि सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप में है डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे टू बोल्शेविक टू पावर, बोल्शेविक को पूरा पावर देने के पक्ष में नहीं थी, एंड केपी हाउएवर, यानी बोल्शेविक ने ही सारा पावर लिया था। हाउएवर द पॉसिबिलिटी, और इसका पॉसिबिलिटी क्या रहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी जो यानी बहुत सारे कंट्रियों में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से लोग जुड़े, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। बोल्शेविकों ने इनक्रेज किया किसको, कॉलोनिकल पीपल्स को, यानी औपनिवेशिक समाजवाद को, औपनिवेशिक जनता को, क्या किसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, मेनी नॉन रशियन, बहुत सारे नॉन रशियन जो थे फ्रॉम आउटसाइड द वो यूएसएसआर में भी पार्टिसिपेट किए इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी VI, सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर में कुछ एजुकेशन भी आए कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से, यानी मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से उनका नाम रखा गया कम्युनिस्ट के नाम से। अब द वर्कर ऑफ द ईस्ट में भी बाई द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम के बाद भी क्या हुआ, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेच्यूर, यूएसएसआर का भी ग्लोबल फेस काफ़ी वैश्विक में काफ़ी इसका दूरगामी प्रभाव रहा बहुत। ठीक है, एड बाई द 1915 के समय देखिए इट वॉज एक्नोलेज विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वॉज नॉट इन कीपिंग द आइडियल ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, यूएसएसआर ने रशियन रिवोल्यूशन के काफ़ी आइडियल्स को नहीं अपनाया था, रशियन रिवोल्यूशन के अपनाया था सॉरी, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट, इस सोशलिस्ट मूवमेंट क्या हुआ, वर्ल्ड के सोशलिस्ट मूवमेंट में वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन में जो नहीं थे, अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, बैकवर्ड कंट्री जो थी यानी जो पिछड़े देश थे वे क्या हुए, ग्रेट पावर में आए, क्यों आए, क्योंकि एक क्रांति आई जैसे रशिया में हुई थी, इट्स इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर क्या हुए, डेवलप हुए ऑन पुअर वर्क फील्ड, और पुअर लोगों का स्थान काफ़ी अच्छा रहा पुअर लोगों का, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स, बट इनको सिटीजन्स को बहुत सारे फ्रीडम्स नहीं मिले थे, एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट पॉलिसीज के लिए या विकास के लिए क्या किया, लगे रहे। बाई द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, 20th सेंचुरी में द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, सोशलिस्ट कंट्री के रूप में डिक्लाइन होने लगा, इट वॉज रिकॉग्नाइज द सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल इंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, धीरे धीरे उन्होंने लोगों को रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया। ठीक है, समाजवाद की तरफ पूरी तरीके से आने लगे, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, बट लेकिन प्रत्येक कंट्रियों में किसके सोशलिज्म के यानी समाजवाद के जो विचार थे वह रीथॉट पुनः विचार में आए,
किसके, इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग वेज में अलग अलग रास्तों अलग अलग विचार में आए, ठीक है। तो देखिए, राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसमें हमारे देश के भी लोगों ने कुछ लिखा है रशियन रेवोल्यूशन के लिए, बहुत सारे, ठीक है। ये भी आप लोग बेटा देख लीजिए। अब आइए, एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया, इंडियन भारतीय पहुँचे कब सोवियत रशिया में पहुँचे, 1920 में, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स वी वर सिंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विथ एशियंस, एशियंस के साथ, मतलब हमारा जो रशिया के साथ अच्छे से आदान प्रदान हुआ कब, 1920 के समय में हुआ था, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखे, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रसिया में 1930 लिखा, मास्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बताया है किसके लिए, रसिया के बारे में लिखा है 1930 में, ठीक है। तो बेटा आपका यह चैप्टर यहीं पर, तो बेटा आपका चैप्टर यहीं पर कम्प्लीट होता है, अच्छे से बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।